इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं। जलस्तर कम होने के लिए लोगों ने पूजा पाठ किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सक्रिय हुई मॉनसून के कारण लगातार बारिश होने से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी पूरे उफान पर बह रही है। बड़े पुल से लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे पानी है। संभावना है कि कुछ ही टाइम में बड़ा पुल भी डूब जाएगा। लगातार हो रही बारिश से रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं। जलस्तर कम होने के लिए लोग पूजा पाठ करने लगे हैं। और रामघाट के सारे मंदिर अभी जलमग्न है। छोटी रपट, दानी गेट रपट जलमग्न है। मौसम विभाग ने भी उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घरों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भारी बारिश के बाद ताप्ती नदी का रौद्र रूप को शांत करने के लिए चुनरी और पूजा अर्पित की जा रही है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले 100 से अधिक मकानों को प्रशासन ने खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ताप्ती नदी के सत्यारा घाट पर 10 लोग फंस गए। NDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बचाया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की टीम के साथ साथ पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इधर पश्चिम भारत में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम के गेट्स को खोलना पड़ा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भारी बारिश के कारण हथनूर बांध के सभी 41 दरवाजे खोल दिए गए हैं। साथ ही नदी के किनारे गांव में अलर्ट की चेतावनी दी गई है। पुलिस विभाग को नाव के साथ साथ स्थानीय आपदा प्रबंधन टीम को भी नदी के किनारे वाले गांव में अलर्ट रहने को कहा गया है। इधर गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध के भी 23 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तटीय इलाकों के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों पर प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है।